हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। आज हम बात करेंगे वीजीए किट पे। ठीक है, वीजीए किट क्या होता है, क्या इसका इस्तेमाल है और कैसे इसका यूज़ करते हैं, उस पर बात करेंगे। हालांकि आप ये देख रहे हैं पिक में, इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। इसका इस्तेमाल मतलब नहीं होता है क्योंकि आज के डेट में मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते हो चुके हैं और इतना इजीली अवेलेबल है कि इसका इस्तेमाल लगभग ना के बराबर है। फिर भी हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, आपके सिलेबस में है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं वीजीए किट और वीजीए रिवॉल्विंग किट इज़ यूज फॉर रिवॉल्विंग द शोल्डर बॉल ऑफ द वीजीए आईसी। देयर आर सेवरल वीजीए रिवॉल्विंग किट एंड वीजीए रिवर्क स्टेशन अवेलेबल इन द मार्केट। मोस्ट रिपेयरिंग प्रोफेशनल जनरली स्टार्ट विद द स्टार्टर वीजीए रिवॉल्विंग किट एंड ग्रेजुअली शिफ्ट टू लेटेस्ट यूनिवर्सल किट एंड स्टेशन। हाउ टू यूज अ वीजीए रिवॉल्विंग किट डिसोल्डर एंड रिमूव द वीजीए आईसी फ्रॉम द पीसीबी। नाउ क्लीन द शोल्डर फ्रॉम द from the bottom of the IC and the PCB where the IC was soldered. Use a soldering iron and desoldering wire or wick. Now select the right size of the IC depending on the number of balls from the stencils supplied with द किट। मतलब यही है कि जो जनरली जो प्रोफेशनल होते हैं, जो L3 L4 लेवल की जो रिपेयरिंग करते हैं, लेवल क्या होता है रिपेयरिंग का, उसके लिए तो शायद हम इससे पहले बहुत शुरू में बात कर चुके थे कि रिपेयरिंग में कितने लेवल होते हैं। जो L3 L4 की रिपेयरिंग होती है ना, वहाँ पे इस वीजीए किट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब ये इस्तेमाल में नहीं है, ये आज से 10 साल पहले इस्तेमाल किया जाता था जब मोबाइल फ़ोन महंगे होते थे और लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता था। एक मोबाइल ख़राब हो गया, खास करके उसकी आईसी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, आईसी ख़राब हो गई है, तब उस आईसी में रिबॉलिंग करने के लिए इस किट का इस्तेमाल होता था। और उस टाइम मोबाइल फ़ोन भी इतने महंगे होते थे कि लोग नया ना ख़रीद के उस फ़ोन को ही ठीक कराते थे। और उस फ़ोन को जब ठीक किया जाता था, जब उसकी कोई आईसी में किसी टाइप की कोई दिक्कत आ गई है, तब उसकी आईसी की जो बॉल होती है ना, उसको रिवॉल्व करते थे। हालांकि आप देख सकते हैं, ये प्लेट है, ये स्टेंसिल है, इसमें आप ये इसको जूम भी करेंगे तो शायद आपको दिखेगा। आप एक मिनट होल्ड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जूम करने पर कैसा लगेगा। ये एक मिनट देखेंगे, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये फुल जूम है। इसमें देख सकते हैं कि ये जो प्लेट है, जो प्लेट आपको दिखे स्टेंसिल, इसमें एक आईसी के शेप का ये बना हुआ है और इसमें बहुत बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं जो आईसी के शेप के हैं। ठीक है, और ये इसका स्टैंड है। इसके नीचे आप देखोगे, यहाँ पर तो आपको समझ नहीं आएगा, इसके नीचे एक प्लेट लगती है। प्लेट पर जिस फ़ोन की हम आईसी को रिवॉल्व करना है, उस फ़ोन के आईसी को निकाल के हम इस प्लेट के नीचे सेट करते हैं उल्टे साइड की ओर से। जिधर का बॉल है वो उसको हम अपसाइड रखते हैं, जिधर प्रिंट है उसको हम नीचे की ओर रखते हैं। और फिर स्टेंसिल सेट करके इस पर हम जो रिबॉलिंग प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू हम उस आईसी पे उसको बॉल बना देते हैं। उसका रिबॉलिंग प्रोसेस करके उस पर जो बॉल्स होते हैं छोटे छोटे वो बना देते हैं। फिर हम वापस मोबाइल फ़ोन की पीसीबी किट में इसको हम लगाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वैसे बहुत पुरानी हो चुकी है, अभी यूज़ में नहीं है। शायद आपको ये कहीं भी आप जाते हो तो आपको ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि अब जितने का इस जो प्रोसेस इसको जो प्रोसेस इसमें आईसी को रिवॉल्व करने में होता है, जो कॉस्ट आता है, उतने में तो आज के डेट में पूरा मोबाइल फ़ोन आ जा रहा है। क्योंकि एक टाइम था कि मोबाइल फ़ोन बहुत महंगा था, सबके बस की नहीं थी कि वो मोबाइल फ़ोन परचेज कर सकता है, हर बार ले सकता है। तो उस टाइम जो कस्टमर होते थे वो ना ख़रीद के मोबाइल फ़ोन को सर्विस ही करा लेते थे, क्योंकि अगर एक फ़ोन उस टाइम छोटा फ़ोन पॉलीफोनिक फ़ोन उनको 4,000 से 5,000 का आता था, और अगर रिवॉल्विंग करके कोई इंजीनियर या प्रोफेशनल है उसको
1000 रुपये में ठीक कर दे रहा है, तो वो 1000 रुपये दे के वो ठीक करा सकता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, एक छोटा फ़ोन है वो 1000 रुपये के अंदर आ जाता है, तो इसीलिए इसका यूज ख़त्म हो गया। क्योंकि इसका जो रिबॉलिंग एक्यूरेसी था वो भी 100% नहीं था, ये था 50% से नीचे एक्यूरेसी था। कि ज़रूरत नहीं है कि जो आप आईसी को रिबॉल कर रहे हो वो बिल्कुल सही हो जाए, बहुत कम इसका एक्यूरेसी रेट था। तो लेकिन हाँ, इससे ये था कि जो इंजीनियर थे इसका इस्तेमाल करते थे इसको रिवॉल्विंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस बता रखा है कि ये शिफ्ट हाउ टू यूज वीजीए रिवॉल्विंग किट डिसोल्डर एंड रिमूव द वीजीए आईसी फ्रॉम द पीसी। ठीक है, वही प्रोसेस के लिए बता रखा है। अच्छा, एक चीज़ देखेंगे, वीजीए हम कई बार बोल चुके हैं, वीजीए का फुल फॉर्म होता है बॉल ग्रिड एरे। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है बॉल ग्रिड एरे, ये क्वेश्चन में आ सकता है जब आप आपका असेसमेंट होगा या फिर आपका एग्ज़ाम होगा, तो सॉरी इंटरव्यू, तब आपको ये पूछा जा सकता है कि वीजीए का फुल फॉर्म बताओ। वीजीए क्या है, तो बॉल ग्रिड एरे यह एक टेक्नोलॉजी है। हालांकि जो फ़ोन के अंदर जितने भी आईसीज है वो सब उन सबको बोलते हैं वीजीए आईसी, क्योंकि वो वीजीए मशीन के द्वारा ही लगाया जाता है। एक आईसी को आप अपने नॉर्मल हॉट एयर गन से लगा तो सकते हो, लेकिन वो एक सही टेम्परेचर सही टाइमिंग में नहीं लगता, तो वो लग तो जाता लेकिन ख़राब होने के चांसेस भी उसके उतने रहते, खास करके जब बिना किसी प्रिकॉशंस के आप रिपेयर कर रहे हो। लेकिन जब एक नया फ़ोन बनता है उसमें नई नई कंपोनेंट लगता है, वो आईसी लगता है, तो वो वीजीए मशीन के थ्रू ही लगाया जाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं वीजीए किट, इसका नाम ये किट इसीलिए है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के आईसी को इसमें रिवॉल्व किया जा सकता है। लेकिन वीजीए मशीन से जो मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल फ़ोन के जो पीसीबी होता है उस पे सारे कंपोनेंट सारे आईसी जो है उसको उस पे असेंबल किया जाता है, तो वो वीजीए मशीन होता है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वीजीए मशीन कैसी होती है, काम क्या होता है उसका। सॉरी, तो यही है, इसका यूज़ अभी ख़त्म हो चुका है, इस पे ज़्यादा बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी ये ट्रेंड में है ही नहीं, ये इसका ख़त्म हो चुका है इस्तेमाल। ठीक है, तो इस पे काम करने के लिए हमें लेवल 3 लेवल 4 की रिपेयरिंग चाहिए होती है, जो इतने में जितने का एक आईसी आप रिवॉल्व करोगे उतने में एक फ़ोन आ जाता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, यही है कि प्लस द आईसी ऑफ द स्टेंसिल, वही जो चीज़ मैंने पहले बता दिया उसी के बारे में है जो लिखा हुआ है, प्लस द आईसी ऑन द स्टेंसिल एंड टाइटली होल्ड इट ऑन द स्टेंसिल यूजिंग द क्लिप और टेप। वही है कि जो उसके नीचे एक जो प्लेट होती है जिसमें हम उल्टी टाइप साइड से हम जो आईसी रखते हैं या फिर उसको टाइटली स्टेंसिल से फिट करते हैं या क्लिप या टेप से उसको चिपका देते हो। फिर लिखा हुआ है नाउ अप्लाई द शोल्डर पेस्ट फ्रॉम द अदर साइड, मतलब दूसरी टाइप से शोल्डर पेस्ट हमें अप्लाई करना होता है स्टेंसिल के थ्रू। ठीक है, शोल्डर पेस्ट विल स्टिक द आईसी थ्रू द टीनी होल इन द स्टेंसिल। ठीक है, जो शोल्डर पेस्ट है वो स्टिक कर लेता है जो उसके बॉल है उस स्टेंसिल के होल के द्वारा। नाउ अप्लाई हॉट एयर यूजिंग SMD रिवर्क स्टेशन, मतलब हॉट एयर गन या SMD रिवर्क स्टेशन के थ्रू उस पर एक हीट अप्लाई करते हैं। ठीक है, दिस विल सोल्डिफाई द शोल्डर पेस्ट एंड इट विल फ्रॉम शोल्डर बॉल दैट विल स्टिक टू द आईसी। मतलब वो जब उसको हीट अप्लाई करते तो गर्म होके पिघल के ना वो जो आईसी है उससे वो चिपक जाता है वो बॉल। ठीक है, नाउ क्लीन द आईसी विद द एस्टोन और IPA सॉल्यूशन एंड रिमूव इट फ्रॉम द स्टेंसिल। वही है कि उसके बाद जब चिपक जाए तो थोड़ी देर बाद जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसको हम क्लीन करते हैं IPA से। IPA मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक लिक्विड होता है, जब भी कुछ रिवर्क करते काम करते हैं तो उसके थ्रू हम उसकी सफाई करते हैं। ठीक है, और फिर स्टेंसिल से निकाल देंगे। तो यही कि मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारी बता दी कि इसका इस्तेमाल कम हो गया है अभी, मतलब नहीं ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि वीजीए किट क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि वीजीए किट क्या है, तो आप इतना आपको नॉलेज होगा कि वीजीए किट का इस्तेमाल नॉर्मली आईसी को रिवॉल्विंग करने के लिए किया जाता था, आप सीधे सीधे इतना बता सकते हैं उनको कि वीजीए किट का इस्तेमाल
किसी भी आईसी को, मोबाइल फ़ोन की आईसी है, उसको रिवॉल्विंग करने के लिए किया जाता है। रिवॉल्विंग मतलब जो जिस आईसी का बॉल ख़राब हो गया उसकी बॉल को फिर से बना देना, इसका इस्तेमाल यही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिस्ट स्ट्रैप मतलब कलाई पे बांधने वाला एक पट्टी। ठीक है, इट इज़ ए वर्क इन द रिस्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ रिपेयरिंग अ मोबाइल फ़ोन। इट हेल्प टू डिस्चार्ज और ग्राउंड स्टैटिक चार्ज, दस प्रिवेंटिंग द पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्रॉम एनी डैमेज। मतलब ये इसका इस्तेमाल वो लोग करते जो रिपेयर के लिए रिपेयर बेंच पे या रिपेयरिंग एरिया में बैठते हैं, या जो मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं, सर्विस इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन। इसको एक कलाई में पहना जाता है, ये देख सकते हैं इसको कलाई में आप टाइटली थोड़ा सा, मतलब स्किन के साथ इस यहाँ पे एक प्लेट होता है, इसमें तो नहीं दिख रहा, जब आप हमारे पास लैब में आएंगे या फिर आप किसी कंपनी में जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा। ये इसको पहनना बहुत जरूरी होता है, इसको बिना पहने हुए आपको रिपेयरिंग एरिया में आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। और ये जब तक आप रिपेयरिंग कर रहे हैं, रिपेयरिंग एरिया में आप बैठे हो और एक फ़ोन पे सर्विस कर रहे हो, तो आपको पहनना ही है। ये इसका काम जो होता है डिस्चार्ज करना, किसी भी टाइप की बॉडी में आपके जो चार्ज है ना उसको डिस्चार्ज या ग्राउंड कर देता है, ताकि जो आपके चार्ज से जो पीसीबी का जो डैमेज है वो नहीं होता, जो ये पीसी पे जो आईसी या कंपोनेंट का डैमेज है वो नहीं होता। इसका काम ये होता है कि आपके बॉडी की जो चार्ज है उसको ग्राउंड कर देता है या फिर पास कर देता है। ठीक है, तो इसको रिस्ट स्ट्रैप बोलते हैं, कह जाएगा रिस्ट बैंड बोलते हैं, तो रिस्ट बैंड रिस्ट स्ट्रैप इसको बोला जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस रिलेटेड ये हमारे पार्ट्स है, मतलब ये इसको टूल्स कह सकते हैं कि हमें ये पहनना ही होता है। अभी जो मैं बीजीए किट की बात कर रहा था, इसमें आप ये देख सकते हो कि जो बीजीए किट की जो वीडियो है ना वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कि क्योंकि अभी जो मेरे लेक्चर से इतना आपको शायद नहीं समझ में आएगा कि बीजीए किट कैसे इस्तेमाल करते, क्योंकि मैंने तो आपको बोल के समझा, क्योंकि मैंने इस पर काम कर रखा है और देखा है मैंने, तो मैंने बता दिया। लेकिन आप लोग नए हो इस अभी मोबाइल फील्ड में, अभी तो ट्रेनिंग ले रहे हो, तो बिना इसको इस्तेमाल किए आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं इसकी जो जो वीडियो है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।